पांच ऐसे फिटनेस के मिथ्स जो प्रोबेबली आप लोग कर रहे हो। लाइफ में मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी होती है कि अगर हम अपनी लाइफ में से सारी बुरी चीज़ों को भी निकाल दें तो भी हमारी लाइफ 90-95% सही हो जाती है। एंड फिटनेस में भी ये रूल फॉलो होता है। अगर आप सिर्फ बेकार की चीज़ें करना बंद कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो डाइट एंड ट्रेनिंग होगी वो परफेक्ट बनने लगेगी। इन्होंने लेग प्रेस की मशीन में इतना वेट लगाया है कि हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते कि ये एक्चुअल में कितना वेट है। अगर हमें पता भी चल जाए कि ये सारी प्लेट्स 20 केजी की है या 15 केजी की, तो भी आप में से एक भी इंसान इसको काउंट नहीं कर पाओगे। वो प्रोबेबली सोच रहा होगा कि ये कुछ खास अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसने इतनी सारी प्लेट्स लगा दी है सो अब वो वापस नहीं जा सकता। ये ऑब्वियस है कि उनकी टेक्निक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई भी मशीन पर इतना ज़्यादा वेट रखते हो जितना वेट आप उठा भी नहीं सकते, तो फिर आप पूरी टेक्निक को कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कॉन्ट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करना ज़रूरी होता है, एंड स्पेशली इसेंट्रिक मूवमेंट में आप मैक्सिमम मसल्स गेन कर सकते हो। लेकिन ये इसेंट्रिक मूवमेंट थोड़ी सी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पर अपने पैरों को नीचे ही नहीं ला पा रहा है। क्योंकि अगर वो नीचे लेकर आएगा तो फिर ये गारंटीड है कि उसके पैर वापस से ऊपर नहीं ही जा पाएंगे। अगर आप रैप्स इन रिजर्व में 1-3 रैप्स रखते हो तो भी आप मसल्स गेन कर सकते हो। आपने यह सुना होगा कि आपको फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए, एंड वो सही है, आपको फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपको फेलियर तक नहीं जाना क्योंकि आप बहुत फटीग अक्यूमुलेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट, इन सारी एक्सरसाइज में अगर आप बहुत ज्यादा फटीग अक्यूमुलेट करते हो एंड आपको फेलियर तक नहीं जाना, तो फिर इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप रैप्स इन रिजर्व में 1 या तो फिर 3 रैप्स भी रखते हो तो भी आपके मसल्स 95% तक गेन हो सकता है। एंड मसल बिल्डिंग के लिए 8-15 रैप रेंज परफेक्ट होती है। सो अगर आप ऑल आउट जाने ही वाले हो तो फिर आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप 8-15 रैप्स के अंदर फेलियर तक पहुंच जाओ। एंड अगर आप इससे कम रिपीटेशंस लगा रहे हो लाइक 4 और 3, तो फिर ये ऑब्वियस है कि आपने वेट कुछ ज्यादा ही रखा है। अगर आप पावर लिफ्टर हो तो फिर हाँ आप कर सकते हो क्योंकि आपकी गेम है, लेकिन आपकी टेक्निक अच्छी हो। क्योंकि अगर आपकी टेक्निक बेकार हुई, अगर आप अपने स्पाइनल कोड को थोड़ा सा बेंड करोगे, तो फिर आपकी इंजरी के चांसेस कुछ ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि बार के ऊपर आप कुछ ज्यादा ही वेट्स रखते हो। सो आपके पास एक स्पॉटर होना चाहिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, एंड ऐसे इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए जो एक्चुअल में आपकी मदद कर पाए ताकि आप अपने आप को मार ना दो। त्वचा मारा है लाइक स्टेरॉइड्स लिए, and then you put this really natural looking achievable physique. Huh. Girls on social media went crazy. I remember my girlfriend at the time, she sent me that, she's like, oh my god, look at this guy. And your caption was something very interesting. You said that yaar, this is the kind of body you can build without any vices in your life, without alcohol, without smoking, without supplements. Yeah. Yeah. Which is not a vice, but it's not for everyone also. You know, I was 8 kgs heavier during Andhadhun and Badhai Ho. I used to take a lot of protein supplements. But later I realized that they are not good for health. Protein shakes are really bad. It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. So anything which is processed, which is manufactured, which is advertised, is not right. जो भी चीज मैन्युफैक्चर एंड अच्छे से एडवर्टाइज की जाती है वो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। Well, इसमें मैं एक कैच ढूंढ पा रहा हूँ। जो भी कॉर्नफ्लेक्स, फिर चौकोज, वो सारे सीरियल्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर भी होते हैं एंड वो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। वो सारे सीरियल्स आपकी हेल्थ के लिए बेकार होते हैं, एंड वे प्रोटीन भी अच्छे से मैन्युफैक्चर्ड होती है एंड उसकी भी बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है। एंड अच्छे से मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ये दोनों चीजें वे प्रोटीन के अंदर इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं हो जाता कि वे प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों को वे प्रोटीन की नीड होती है। अगर आप डाइट से अपना प्रोटीन टेक कंप्लीट कर पाते हो तो फिर अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऐसा कोई हक आ गया है अब कि अब आप वे प्रोटीन को डीजनरेट कर सकते हो। वे प्रोटीन एक बहुत अच्छी चीज है, एंड अगर आप वे प्रोटीन हर रोज लोगे तो फिर साल के बाद आपके पेट के अंदर 300 वे प्रोटीन की स्कूप्स नहीं होने वाली। मोस्ट प्रोबेबली शायद आपकी बॉडी वे प्रोटीन को बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकती है। सो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि वे प्रोटीन आपको डायरेक्टली वर्कआउट के बाद लेना ही होगा ताकि आप मसल्स को ज्यादा बिल्ड कर सको। अभी आपने जिम में जाकर अपने मसल्स को ब्रेक किया है, सो आपको डायरेक्टली प्रोटीन शेक पीना होगा पानी के अंदर ताकि वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए एंड जो भी मसल्स आपने डिस्ट्रॉय
विड्रॉ किया है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। अगर आपने जिम से पहले प्रोटीन लिया है, किसी भी तरह का प्रोटीन, वे प्रोटीन और कोई फूड में से, तो भी आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रोटीन है, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन स्टार्ट कर देगा मसल्स को वापस से रिपेयर करना। एंड ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि आपको डायरेक्टली वे प्रोटीन की स्कूप लेनी है, वे प्रोटीन इंट्रा वर्कआउट में भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि आपको वे प्रोटीन या तो बिफोर वर्कआउट या तो फिर आफ्टर वर्कआउट लेना ही चाहिए। एंड फिर उसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको दूध में ही लेना होगा और वाटर में ही लेना होगा, आप वाटर में ले सकते हो, दूध में भी ले सकते हो, एंड कोई मील तैयार करके उसके अंदर भी वे प्रोटीन डाल सकते हो। हाँ, वे प्रोटीन डाइजेस्ट होने में शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपने एक मील तैयार की है। अगर आपका एक बहुत अच्छा डाइट एंड वर्कआउट प्लान चाहे जिसको फॉलो करके आप मेक श्योर कर पाओ कि ये एक अच्छा डाइट एंड वर्कआउट प्लान है, एंड अगर इस चीज को मैं 6-7 महीने तक फॉलो करूंगा तो फिर मुझे वेट लॉस करना है और वेट गेन करना है, उस गोल को मैं अचीव कर पाऊंगा एंड मेरे मसल्स भी इंक्रीज होंगे, तो फिर आपको डेफिनेटली हमारे पास से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए एंड हम लोग आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनलाइज डाइट एंड वर्कआउट प्रोग्राम में तो फिर डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। ज्यादा स्वेट करना एक तरह का इंडिकेटर हो सकता है कि आप बहुत पुश कर रहे हो अपने जिम में, राइट? नो, ये कोई ऑथेंटिक इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ज्यादा ही मैटर कर रहे हैं। लाइक अगर आपके जिम के अंदर एसी थोड़ा सा हायर टेम्परेचर के ऊपर चल रहा है और आपका जो वेदर है वही थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑलरेडी थोड़ी सी हीटेड ही है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपका पसीना हो रहा है आपको जिम के अंदर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे बाकी सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बस इन जनरल वेदर थोड़ा सा हॉट है, ये जो सिग्नल है इसको आपको पॉजिटिवली लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ज्यादा स्वेट करते हो तो फिर आपकी एनर्जी एक्चुअल में लूज करते हो आप, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज कर देते हो अपने स्वेट के साथ साथ। अगर आप ज्यादा स्वेट करते हो जिम के अंदर तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वाटर इनटेक भी इंक्रीज कर दो। ये वाइब्रेशन थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी मशीन है। मैग्नेटिक थेरेपी एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी, इन दोनों चीजों के बारे में मुझे लिटरली कोई भी चीज नहीं पता, सो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि मैं बस इग्नोरेंट हूँ इस मशीन को लेकर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये भाई साहब और क्या बोलना चाह रहे हैं इस मशीन को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये मैग्नेट्स है और ये मैग्नेटिक थेरेपी देता है। उसके अलावा ये जो पॉइंटेड पार्ट्स है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये एक्यूप्रेशर थेरेपी देता है। यहाँ पे ये टास्क पैनल दिया गया है जहाँ पे बड़ा सा डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और कितना कैलोरी बर्न हुआ है सब कुछ दिखाता है। तो कैलोरी बर्न हुआ है वो भी दिखाता है। एंड एक और चीज मुझे बतानी है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हिंदी का एक्सेंट कुछ ज्यादा ही बेकार है, लेकिन शायद मुझे एक वर्दी कॉम्पिटिटर मिल गया है। ये काम कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसके लिए सिर्फ यहाँ पे आपको ऑन करना है इसको। उसके बाद देखिए ये पूरा मशीन जो है हिलता है, वाइब्रेट होता है। अभी इसके ऊपर 10 मिनट खड़ा होने से 1 आवर का जॉगिंग का बेनिफिट मिलता है। 10 मिनट अगर आप अपनी बॉडी को वाइब्रेट करते हो तो फिर आपको 1 घंटे जितने कैलोरीज आप 1 घंटे जॉगिंग के अंदर बर्न करते हो उतनी कैलोरीज शायद आप बर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप जॉगिंग करते हो तब आप एक्चुअल में अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को यूज करते हो। लेकिन आप इस मशीन के ऊपर बस डेड बॉडी बनकर खड़े हो एंड आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, क्या आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी? मे भी शायद आपको डर लगेगा एंड उस फियर की वजह से आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन क्या आपकी हार्ट बीट एक्चुअल में इतनी इंक्रीज होगी जिससे वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करने लगेगी? इस मशीन का मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट है जो एक दो नहीं कई सारे है। जैसे कि ये वाइब्रेशन प्लेट आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है और साथ ही आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, बॉडी को टोन करती है और एक्स्ट्रा फैट को बर्न करती है। ये मशीन डेफिनेटली आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपको अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना है तो फिर आपको अपना डाइट अच्छा बनाना होगा, आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी होगी एंड आपको मसल्स पुट करने होंगे एंड आपका बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी लेवल पर होना चाहिए। एंड उनमें से कोई भी चीज को अगर आपको अचीव करनी हो तो फिर ये मशीन आपकी मदद नहीं करने वाला। इस तरह के फैट लॉस के मशीन मार्केट में बहुत सारा है। अगर आप यूट्यूब में जाकर ऐसा कुछ सर्च करोगे कि हाउ टू लूज वेट, तो फिर
अब ऐसा हो गया है कि यूट्यूब के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक 70-75% ऑफ द इंफॉर्मेशन सच्चाई है, लेकिन बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो भी झूठ है, जिसके ऊपर अगर आप बिलीव करोगे तो फिर आपके सिर्फ पैसे बर्बाद होंगे एंड आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो अगर आपको वेट लूज करना है तो फिर आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, मसल्स पुट करने होंगे ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सके एंड आप ज्यादा आसानी से फैट बर्न कर सको, क्योंकि आप ज्यादा एथलेटिक बन जाओगे एंड सारी एक्सरसाइजेस को आप ज्यादा देर तक परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि रॉनी कोलमैन बहुत ज्यादा वेट्स उठा रहा है एंड अगर आपने उनके मसल्स को देखा होगा तो फिर आपको पता होगा कि वो दिखना बहुत थिक लगते हैं एंड मैच्योर लगते हैं। सो इसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आपको भी डांस मसल्स चाहिए तो फिर आपको हैवी लिफ्ट करना होगा। नो, हम लोगों को पहले उसका मीनिंग जानना होगा। डांस मसल्स का मीनिंग हम लोग बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि मसल्स मैच्योर है एंड उसके साथ साथ उसके अंदर साइज भी है। अगर आपके पास मैच्योर मसल्स है जो बहुत बड़े दिखते हैं तो फिर आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी ऑलरेडी डांस है, लेकिन अगर आपको डांस मसल्स को अचीव करना है तो फिर आपको एक ऐसे रैप रेंज को फॉलो करना होगा जिसके अंदर आप एक्चुअल में अपने मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर सको। अगर आप ज्यादा वेट्स उठाओगे तो फिर आप अराउंड 3-4 रैप्स लगा पाओगे एंड उसके अंदर आप ऑप्टिमली मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आपको डांस मसल्स चाहिए तो फिर आपको थोड़े ज्यादा रिपीटेशंस लगाने होंगे लाइक 8-15 एंड उसको अच्छी टेक्निक लगाना है एंड आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि आपको जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स पुट करना है, ना कि आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है कि मैं मैच्योर मसल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं सो मैं ये वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं कर सकता एंड मुझे ये वर्कआउट रूटीन फॉलो करना। पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।